तो इस पूरी हत्या की कहानी, तीनों हमलावरों की प्लानिंग और इस पर उठते सवालों पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की प्रयागराज से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग इस वक्त कॉल्विन अस्पताल में मौजूद हैं प्रयागराज के। ये वही जगह है जहां पर अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल अतीक और अशरफ को पूछताछ के बाद यहीं लाया गया था। यहीं पर अतीक और अशरफ की गाड़ी खड़ी हुई और पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ को अंदर मेडिकल के लिए ले जा रहे थे। पहले बात करते हैं पूरी घटनाक्रम हुई की और बताएंगे वहां पर पुलिस की तरफ से क्या क्या बड़ी लापरवाही रही। यहां से वो पैदल जो है अतीक और अशरफ को हथकड़ी लगा करके ले जा रहे थे, कुछ 30 ही कदम चले होंगे। यहां पर मीडियाकर्मी अतीक अहमद से, अशरफ अहमद से सवाल पूछने लगे। मीडियाकर्मियों ने अतीक से पूछा कि आप अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गए। अतीक ने कहा कि ये लोग नहीं ले गए, इसलिए नहीं गए। जैसे ही अतीक ने बात खत्म की, अचानक से कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर दिखती है और बुलेट फायर होता है और अतीक वहीं मर जाता है। लगातार ताबड़तोड़ कई गोलियां अशरफ पर चलाई जाती है और अशरफ भी मौके पर मर जाता है। तीनों हमलावर मीडियाकर्मी बनकर के आए थे। लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, ये तीनों हमलावर हैं। लवलेश तिवारी बांदा का रहने वाला है, अरुण मौर्य हमीरपुर का और रिंकू सिंह कासगंज का रहने वाला है। ये तीनों यहाँ पर गुरुवार को ही पहुँच गए थे और इनकी मंशा थी हत्या करना। इनकी मंशा थी कि ये भी माफिया बनना चाहते हैं। पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं, फिर बताएंगे इनके बारे में और बताएंगे कि क्या पुलिसकर्मियों की तरफ से बड़ी चूक रही। तो आप देखिए यहाँ पर, ये जो आप चूना देख रहे हैं, यहीं पर गोली चली और यहाँ खून था, इसलिए चूना डाल दिया गया है। लगातार 20 राउंड फायर ताबड़तोड़ की गई। उस फायरिंग में एक बुलेट जो है वो लवलेश के पैर में भी लगी है। वो बुलेट पुलिस ने नहीं चलाई है, बल्कि जो फायरिंग करी सनी सिंह ने और अरुण मौर्या ने ताबड़तोड़, उसी में से एक बुलेट जो है वो लवलेश के पैर में लगी है, उसका भी इलाज चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, सारे बुलेट गिरी हुई हैं, 21, 17, 22, 13, 14, और पुलिस ने एक फर्जी माइक आईडी और एक फर्जी कैमरा भी बरामद किया है। दोनों आई कार्ड पहने हुए थे। ये लोग गुरुवार को ही यहाँ प्रयागराज पहुंच गए थे। पहले से ही प्लान करे थे क्योंकि पहले भी अतीक को लाया गया है। उनको लगा कि इनको माफिया बनना है और माफिया कैसे बन सकते हैं जब एक बड़े माफिया को मार दें। तो प्लान यही था इन लोगों का, इन तीनों का, और इन तीनों को भागना नहीं, इन तीनों को सरेंडर ही करना था ताकि इनका नाम हो, पहचान हो। तो ये लोग यहाँ पर पहुँच गए थे गुरुवार को ही। इन्होंने रेकी करी और उन्होंने सोचा कि ये कैसे नज़दीक पहुँच सकते हैं। इनको लगा कि सिर्फ मीडियाकर्मी ही नज़दीक पहुँच पा रहे हैं तो मीडियाकर्मी ही बना जाए। तो यहाँ पर एक ये लॉज में भी रुके, लॉज के मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। 3 दिन लोग ये यहाँ पर रुके रहे और लगातार पूरी शनिवार सुबह से लेकर रात तक ये मीडियाकर्मी बनकर मीडियाकर्मियों के साथ अतीक और अशरफ का पीछा कर रहे थे। अतीक और अशरफ को कल यूपी पुलिस कई जगह ले गई, कुछ हथियार दिखाने थे, कुछ और पूछताछ करानी थी, वहाँ पर गांव में भी लेकर के गए। ये लोग लगातार पीछा करते रहे और इनको जब लगा कि ये सबसे बेहतर मौका है, मीडियाकर्मी सवाल पूछेंगे, पुलिस रोकेगी नहीं, तभी उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी। तीनों की पहचान हो गई है। तीनों के परिवार वालों के बयान एक जैसे हैं। जो लवलेश, उसके पिता कह रहे हैं कि अपराधी था, पहले भी जेल जा चुका था, उनका उससे कुछ लेने देना नहीं है, वो परिवार के साथ नहीं रहता था। यही बयान रिंकू सिंह का भी है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का था, रिंकू सिंह घर छोड़ चुका था, वो घर नहीं आता था, परिवार का कुछ उसे लेने देना नहीं है। यही बयान अरुण मौर्य के परिवार का भी है। उसका भाई भी कह रहा है कि अरुण मौर्य आपराधिक प्रवृत्ति का था, वो घर छोड़ चुका था, उससे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों के परिवार के बयान एक जैसे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, ये कोई हकीकत है या संयोग, ये जांच में पता चलेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कमियाँ रहीं, क्या कुछ खामियाँ रहीं। पुलिस वाले हाथों में हथियार, आप देखिए ये AK-47 आपको नजर आएगी, AK-47 लिए हुए हैं, और कल जब यहाँ पर पुलिसकर्मी थे उनके पास भी ऐसी ही AK-47 मौजूद थी। जब AK-47 मौजूद थी तो फिर AK-47 से गोली क्यों नहीं चली? जब हिरासत में कोई कैदी है और पुलिस हिरासत में किसी की मौत हो जाए, हत्या कर दी जाए, इससे बड़ी लापरवाही कुछ हो नहीं सकती। तो सनी, अरुण और लवलेश पर गोली क्यों नहीं चलाई? और गोली किसी पुलिस वाले को नहीं लगती है, एक मीडियाकर्मी घायल जरूर हुआ है, उसको गोली नहीं लगी है, और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक गोली चलाते हैं वो लोग भी कि निशाना ना चूके, किसी पुलिस वाले को ना लग जाए, और पुलिस वाले तुरंत तीनों को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं। तो ये पहली चूक रही। दूसरी चूक रही कि जब गाड़ी यहाँ तक जा सकती थी, बिल्कुल अस्पताल के बिल्कुल अंदर जहाँ सीधे सीधे वो डॉक्टर के पास जाते, तो गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी कर दी गई बाहर? उनको पैदल क्यों ले जाया जा रहा था? ये एक दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल कि ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, जब साबरमती से अतीक को लाया गया था तो बॉडी कैमरेज लगाए गए थे, पर ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ना ड्रोन ना बॉडी कैमरे, कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ पुलिसकर्मी थे जो, जिनका जो रवैया था बहुत कैजुअल था,
इतना कैजुअल रवैया कैसे हो सकता है? फिलहाल इन तमाम सवालों की जांच एक न्यायिक कमेटी करेगी, जिसका गठन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। लेकिन वही कानून व्यवस्था जिस पर अपनी पीठ थपथपाती थी यूपी पुलिस, उसी कानून व्यवस्था की कलई खुल गई है। पहले प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या होती है, हत्या भी दिन दहाड़े होती है, गोलियां मारी जाती हैं, उमेश पाल को मारा जाता है, उसके दो पुलिसकर्मी, उसके ड्राइवर को मारा जाता है। आरोपी होता है असद, अतीक का बेटा, अतीक साजिश करता, उसके साथ में उसके कई और शूटर, पुलिस वो शूट आउट नहीं रोक पाती। और फिर उसी प्रयागराज में अतीक की हत्या हो जाती है, पुलिस कस्टडी में, कई पुलिस वाले मौजूद रहे, अब तक किसी पुलिस वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतीक अहमद का पोस्टमार्टम चल रहा है, वीडियोग्राफी हो रही है, और आज ही उसका पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा, उसको दफना भी दिया जाएगा। पुलिस कानून व्यवस्था के चलते ये फैसला ले रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सस्पेंड है, धारा 144 लगी हुई है, दुकानें बंद हैं, दहशत का माहौल है। कल चक्की इलाके में कुछ तोड़फोड़ या पत्थरबाजी की घटना आई थी सामने, लेकिन अभी उसको भी कंट्रोल में कर लिया गया है। तो फिलहाल कई सवाल हैं और बड़ी चूक कानून व्यवस्था। अब आप तय करिए कि कानून व्यवस्था अच्छी या ख़राब, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में हत्या होती है। सुप्रीम कोर्ट भी गया था अतीक ये कहते हुए कि उसकी जान को खतरा है, अशरफ ने बोला था कि दो हफ्ते बाद उसको मरवा देगी पुलिस, ये सब बयान ऑन रिकॉर्ड है, अशरफ का बयान कैमरे पर, और वही होता है। तो अब कमी तो पुलिस की है, लेकिन कार्रवाई देखते हैं पुलिस पर होगी नहीं होगी, और सारी नज़रें जो है कोर्ट में है। जब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को खुलेगा तो फिर क्या होगा। फिलहाल ये वही जगह है जहाँ पर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस के सामने लाचार यूपी पुलिस अब यहाँ पर खड़ी हुए, तमाशबीन बन करके पेड़ की छाया में खड़े हुए हैं सब लोग। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका, अब AK-47 या गश्त करके भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सहयोगी राकेश और राजेश के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।